किशनगंज लोकसभा में किसको पसंद कर रहे हैं, किसको लेकर के आ रहे हैं आप लोग? जावेद को क्या देखना चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं कि फिर वही पुराना? बदलाव तो होवे करेगा, माहौल का हिसाब के देख नहीं पाते किशनगंज इलाका में। जावेद अख्तर को हम लोग चुनते हैं, कायदे हाथ छाप कांग्रेस आना चाहिए। हम तो हाथ छाप में बना रहे, हाथ छाप को वोट देंगे, वो जीता हुआ है हाथ छाप। बीजेपी को, बीजेपी को क्या खास है बीजेपी में? बहुत बढ़िया है। किशनगंज में किसको देख रहे हैं? हाथ छाप उम्मीदवार का नाम पता है? नहीं पता नहीं है। जावेद अख्तर, जावेद अख्तर को वोट कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सिटी एक्सप्रेस, मैं आपके साथ मोहम्मद हमराज। जैसा कि किशनगंज लोकसभा को लेकर जो है तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है और आगामी 26 अप्रैल को जो है इलेक्शन होनी है, जिसको लेकर हम तमाम क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। आखिर यहां की जनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार किशनगंज लोकसभा में किसकी जो है जीत हो रही है और किसकी हार हो रही है। हम तमाम चीज़ आपसे रूबरू कराते हैं। इसके अंतर्गत हम 22 प्रखंड के अंतर्गत हम इस समय मौजूद हैं श्रीपुर मलाटोली में, और जहाँ से जनता की राय लेने के लिए पहुंचे हैं कि आखिर इस बार जो है किशनगंज लोकसभा में क्या कुछ होने वाला है। क्या एएम के अख्तरुल इमाम को ये लोग मौका दे रहे हैं, या फिर पूर्व के सांसद जो है जावेद इकबाल को पुनः वापस लाने की जो है कोशिश कर रहे हैं, या फिर जो है एनडीए के उम्मीदवार मुजाहिद जी हैं उनको फिर ये लोग अपनी पसंद बना रहे हैं। हम तीनों के बारे में, हालांकि निर्दलीय उम्मीदवार भी कई हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर श्रीपुर मलाटोली वासियों का जो पसंदीदा जो है सांसद कौन है। हम तमाम जानकारी के लिए हम इस समय मौजूद हैं एक चाय दुकान पे, जहाँ पर चाय पर ही चर्चा होनी है। खासतौर पर इस चाय की दुकान में जो है दूर दराज के इलाके के जो है वोटर यहाँ पर बैठते हैं और तमाम जो है डिस्कस करते हैं। आपको जानकारी लेते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हुए? सिमलटोला में। कौन सी पंचायत पड़ता है? श्रीपुर पंचायत। अच्छा, इस बार किशनगंज लोकसभा को लेकर के क्या कुछ तैयारियाँ चल रही है और आप लोग किसको पसंद कर रहे हैं इस बार? कांग्रेस को। कैंडिडेट का नाम पता है? नहीं है। अच्छा, कांग्रेस को ही क्यों पसंद कर रहे हैं? एनडीए के उम्मीदवार भी हैं और अवेसी के भी उम्मीदवार हैं। नहीं, कांग्रेस को हम उम्मीदवार हैं, कांग्रेस को ही पसंद करते हैं। और भी कई लोग हैं और भी जानने की कोशिश करें, इस बार आप लोग का किशनगंज लोकसभा को लेकर क्या कुछ तैयारियाँ चल रही है? तैयारी कर रहा हूँ कांग्रेस को। कांग्रेस को ही क्यों? और निर्दलीय भी उम्मीदवार हैं, कई पार्टी के भी उम्मीदवार हैं, एनडीए से हैं, एआईएम से हैं। हाँ, किसको पसंद कर रहे हैं? कांग्रेस को। कांग्रेस को। देखिए, यहाँ की जनता जो है इस बार जो खुलकर सामने आ रही है, हालांकि कांग्रेस की ही बात कर रहे हैं, और भी लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर और इस बार किशनगंज लोकसभा से किसको देख रहे हैं आप? देख रहे हैं, अभी सोच विचार के देंगे वोट। अब तक विचार नहीं हुई है? नहीं। उम्मीदवार, किसी उम्मीदवार को पहचानते हैं? पहचानते हैं। किसको किसको? हच्छप को देंगे। हच्छप को दीजिएगा, पतंग वाले को नहीं दीजिएगा? देखेंगे अभी तो। फूल वाले को नहीं दीजिएगा? फूल वाले को अभी मौका है, अभी किसको देंगे? इस बार किशनगंज में किसको देख रहे हैं? हच्छप। उम्मीदवार का नाम पता है? नहीं पता नहीं है। जावेद अख्तर, जावेद अख्तर को वोट कर रहे हैं। और उम्मीदवार कई सारे हैं, पतंग से भी हैं, वो क्या कहते हैं जो फूल वाले का भी गठबंधन से है? नहीं, हाथ छाप का है ज्यादा जरूरी है। हाँ, जरूरी है। अच्छा, आपके पंचायत में क्या स्थिति है, लोगों का किस पर जा रहा है? श्रीपुर पंचायत। इस बार किशनगंज में क्या कुछ होने वाला है, कई उम्मीदवार है पार्टी के निर्दलीय से, किसको आप लोग पहले पसंद कर रहे हैं? अभी तो पहले पसंद यही कर रहे हैं कि अभी हमारे हिसाब से अभी अख्तरुल इमान को वोट दिया जाए, ताकि आप लोग पूर्व के सांसद से खुश नहीं हैं? पूर्व शासन से खुश इसलिए नहीं है कि जो अगले टीम में जो वो जीता है तो अभी तक उसने कहीं घुमा तक नहीं, कहीं देखा भी नहीं कि हमारे इलाके में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसलिए उसको नापसंद करते हैं। तो इस बार किशनगंज में किसको लेकर के आ रहे हैं आप लोग? हम इसको अख्तरुल इमान को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। किशनगंज में किसको वोट कर रहे हैं? कहाँ है, कोई नाराजगी है? मुंह में गुलगुल्ला लिए हुए है क्या? हाँ, या नहीं बोलनी है? और भी लोग से हम जानते हैं कि आखिर किशनगंज में इस बार क्या कुछ होने वाला है? इस बार वोट होने वाला है। हाँ, वोट होने वाला है। किसको पसंद कर रहे हैं इस बार? अभी अवेसी को। अभी अवेसी को। हाँ। क्या छाप है उसका? उसका यह छाप है, पसंद है। उम्मीदवार कौन है? उम्मीदवार है, उम्मीदवार का नाम जानते हैं? नहीं नहीं, उसका नाम नहीं जानते। नहीं जानते हैं। हम और लोगों से भी जानते हैं, इसी चाय के दुकान पर जो दूर दराज से लोग जो आए हैं कि आखिर क्या कुछ होने वाला है, खासकर जो है श्रीपुर मलाटोली पंचायत के सिमलटोला गांव के लोग किसको अपनी पसंद बनाए हुए हैं। अंकल जी, क्या कुछ? ये पंचायत का हम नहीं है बाबू, यहाँ से नहीं है। काहे बोलेंगे? इस बार
आपके पंचायत के लोग किसको पसंद कर रहे हैं किशनगंज से? हम लोग जी हाथ छाप। अच्छा, सिर्फ हाथ छाप और कोई छाप नहीं? आप बताइए, एक समझदार नागरिक होने के नाते इस बार किशनगंज लोकसभा में किस उम्मीदवार को आप लोग पसंद कर रहे हैं? हाथ छाप। उम्मीदवार को जानते हैं, पहचानते हैं? की नाम है जावेद, जावेद हुसैन। जावेद हुसैन। और भी जो है AIM के उम्मीदवार अख्तरुल इमाम है, NDA से NDA गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर मुजाहिद जी हैं, उनको अपनी पसंद नहीं बना रहे? नहीं नहीं। क्या कारण है? कोई कारण नहीं, हम जिसको बना लिया, दिल में बैठा लिया, उसी को वोट डालेंगे। लेकिन जो NDA के उम्मीदवार मुजाहिद जी हैं, उनसे गठबंधन जो इसे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो जिससे जिसके साथ गठबंधन किया, वो तो लोगों के लिए, पूरे देश के लिए जो है 2029 तक राशन फ्री देने की बात कर रही है। जो तो आप भी कर ले, बात वो नहीं है। अब जो जिसको दिल में बसा लिया उसी को वोट डालेगा, ये तो अपना मर्जी का बात है। सरकार जो आपके लिए राशन दे रही है, गैस दे रहा है, सरकार किसी को राशन दे रहा है तो किसी को लिए तो बुराई भी कर रहा है सरकार। आपके लिए क्या बुराई कर रहा है? राशन आपको नहीं मिला है? राशन मिलता है, हमको मिलता है, तो मेरे भाई को नहीं मिलता है, भाई को मिलता है तो किसी को नहीं मिलता है, बहुत कारण है उसमें। वो जब जो भी योजना लेके आते हैं सबके लिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबको लिए, आपको मिल रहा है ना? हाँ मिल रहा है। तो फिर इस बार क्या कुछ होने वाला किशनगंज में? नहीं तो इस बार हम लोग अपना हिसाब से करेंगे, हमको जो अच्छा लगा है वही करेंगे। किशनगंज लोकसभा में किसको पसंद कर रहे हैं, किसको लेकर के आ रहे हैं आप लोग? जावेद को, डॉक्टर जावेद को। हाँ। कौन सा छाप है उसका? छाप है मतलब हाथ छाप। हाथ छाप है। हाँ। अच्छा, क्यों आपको पसंद है डॉक्टर जावेद या हाथ छाप? उसको हमको पसीना है, वो काम करे नहीं करे। अच्छा, किसको देख करके वोट करते हैं, राहुल गांधी को या मोदी को? राहुल को। राहुल को। मोदी को पसंद नहीं है? नहीं। मोदी जो इतना आप लोग के लिए कर रहा है, कुछ दे हो, आपको कोटा में राशन दे रहा है फ्री, कुछ भी दे हो, पैसा नहीं लग रहा उसमें, उसको पसंद नहीं है? काहे, क्या हो गया? हमको पसंद है नहीं है। फिर कौन पसंद है आपका? राहुल को। कौन सी जगह है ये? ये सिमल टोला है। किशनगंज लोकसभा में किसको लेकर आ रहे हैं और आप लोग की पसंद का नेता कौन है किशनगंज में इस बार? माहौल का हिसाब के देख नहीं पाते किशनगंज इलाका में, जावेद अख्तर को हम लोग चुनते हैं, शायद हाथ छाप कांग्रेस आना चाहिए, राहुल गांधी को। अच्छा, बनाए। इनके अलावा भी तो कई नेता हैं, जैसे AIM के हैं और NDA गठबंधन से जो है नीतीश कुमार के पार्टी का मास्टर मुजाहिद जी हैं, क्या उनको पसंद नहीं कर रहे हैं? मैं है तो वो लोग तो अभी माहौल का सब जो देखते हैं दुनिया में जो माहौल है, तो हम लोग को राहुल गांधी को हम लोग को बढ़ाना है। कौन सी पंचायत है ये? श्रीपुर मलाटली 5 नंबर वार्ड। इस बार किशनगंज लोकसभा में आप लोग किसको लेकर के आ रहे हैं, किसको अपना नेता बना रहे हैं? हम तो हाथ छाप में बना रहे हैं, हाथ छाप को वोट देंगे, वो जीता हुआ है हाथ छाप। हाथ छाप की क्यों? और भी पतंग छाप भी है, तीर छाप भी है, क्या वो आपकी पसंद नहीं है आपकी? नहीं नहीं, हाथ छाप को पसंद है, उसी को देंगे। पहचानते हैं? हाँ, अच्छा भैया। आए हैं आपके यहाँ? हाँ आया। कौन सी जगह है ये? तो है घांगर। पंचायत कौन सा? श्रीपुर। किशनगंज लोकसभा में आप लोग किसको लेकर के आ रहे हैं? जिसका हवा हवा उसको देंगे। अब तक हवा का कोई रुझान? अभी तो चल रहा है पतंग का। पतंग का। अच्छा, क्या है पूरे पंचायत में सिर्फ पतंग ही नजर आ रही है? हाँ, पतंग नजर आ रहा है। इस बार किशनगंज लोकसभा से किसको देखना पसंद करेंगे? हम अवैसी को। अवैसी को? हाँ। जो मोदी को नहीं? नहीं, मोदी जी सरकार में है और सरकार को देखते हुए बड़े मोदी जी बहुत कुछ दिया है। नहीं, कुछ नहीं दिया है। क्या दिया है? बहुत कुछ दिया। 15 लाख करके बोल के कहाँ दिया है अभी तक? आपको दिया नहीं है? नहीं, कहाँ दिया है? बहुतों लोगों को दिया है। नहीं, नहीं दिया है किसी को। अच्छा, फिर अवैसी को क्यों देना चाहते हैं? दे देंगे, वो अपना पार्टी है, मुस्लिम पार्टी। अच्छा, इसलिए दे देंगे वोट। कौन कैंडिडेट है आपके यहाँ से? ये अतुल इमाम है। अच्छा, आपके यहाँ का जो माहौल है किस तरह का माहौल है, लोग कितना कर रहे हैं? बहुत आदमी अच्छा फील्डिंग कर रहा है, उसका काम कर रहा है। हाँ। अच्छा, क्या लगता है इस बार किशनगंज से निकल पाएगा? निकलेगा, जरूर निकलेगा। वो कौन? अवैसी निकलेगा। अच्छा, अतुल इमाम। अतुल इमाम निकल जाएगा। हाँ। और कितने नेता है इसमें? 3 नेता है, एक BJP का है, एक अवैसी का है, एक कांग्रेस का। BJP का कौन है? BJP का डॉक्टर, ये मास्टर मुजाहिद है। मास्टर मुजाहिद को नहीं दीजिएगा? नहीं। डॉक्टर जावेद को? उसको भी नहीं देंगे। कहाँ 5 साल से कहाँ कुछ कम किया है?